चार डब्बे रख रख गाड़ी में। ये अमोल कर पहचाना नहीं तू? क्या फिल्मों का हीरो शीरो है जो तेरे को पहचान? मनोहर अर्जुन सर्वे तो याद कर, भार्गव सर्वे, कॉलेज के रिजल्ट का वो दिन, दफा 302 और भाटकर की रिश्वत। ओ याद है, कब छूटा जेल से? छूटा नहीं, भागा। तू अब पुलिस वाले के साथ धत्तिंग करेगा? तेरी वजह से हर पुलिस वाले के साथ धत्तिंग करता हूं, सबके सब हरामी है साले। गलती मेरी नहीं, मेरी माँ की थी। अब तुझे अफसोस होगा कि तेरे बाप ने तुझे पैदा करने के लिए तेरे को ठोका ही क्यों। बच्चे मुझे माफ कर दो। क्यों? तूने ही कहा था ना कि तेरे बाल बच्चों को पता है कि तू कितना बड़ा कमीना है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज तेरा यह हाल है कि तू अपने घुटनों पे खड़े रहने के लायक नहीं है। क्या देख रहा है? तेरी घड़ी। 350 रुपए की HMT है, किसी भाई की दी हुई रोलेक्स नहीं है। क्या फर्क पड़ता है ऑफिसर, वक्त तो दोनों दिखाती है, तेरी तो नियत भी दिखा रही है। क्या मतलब? जब तू गाड़ी में आकर बैठा तो 2:05 हुए थे, अब 3 बज रहे हैं। वडाला कॉलेज से साइन हॉस्पिटल का रास्ता सिर्फ 10 से 12 मिनट का है, ट्रैफिक मिली तो 15 मिनट। तो गाड़ी घुमाए जा रहा है इस फिराक में कि जो काम कोहली नहीं कर सकी तेरी खड़ी कर देगी। लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा ऑफिसर।
गोलियों के बीच में मैं तुझे 10 गोलियां मार सकता हूं, तो अकेले में तेरे सर में एक गोली मारने से मुझे कौन रोकेगा? तेरी सांसें इस गाड़ी के पहियों की तरह इसलिए चल रही है क्योंकि तेरी कहानी दिलचस्प है, और मैं जानना चाहता हूं कि आगे क्या हुआ। शराफत से आगे सुनाता जा और इसका एंड बदलने की कोशिश मत करना। मरेगा तो तू जरूर मनिया, क्योंकि जीते जी तूने कानून की इतनी ठुकाई की है कि आज तुझे खुदा की खुदाई भी नहीं बचा सकती। साली क्या मस्त जगह बनाई है यार, एक से एक कड़क आइटम आती है ना? क्या फर्क पड़ता है भाई, अबे एक बार बत्ती बंद हो गई अंधेरे में सब हेमा मालिनी। और अपन बादशाह भाई, बादशाह चूतिया था जो उसने ताजमहल बनाया, तू होता तो क्या बनाता? कुतुब मीनार। क्यों? लंबा है और इतने सालों से खराब भी है बेंच। ये टेबल रिजर्व्ड है सर। क्या आप भी रिजर्व्ड है? नहीं सर, सॉरी। किसके लिए रिजर्व्ड है? जुबेर भाई के लिए। साल के 365 दिन ये टेबल इस शहर की तरह इसके असली हकदार के लिए रिजर्व्ड रहता है। जगह जगह मूंद कर अपना इलाका कुत्ते रिजर्व करते हैं। शेर कब से करने लगे? कॉमेडी अच्छी करता था, नया दिलावर बनने की बजाय नया महमूद क्यों नहीं बन जाता? तुझे क्या लगता है, सड़क से 2-4 लौंडे उठाने से, बेकार के पुलिस वालों को मारकर अखबार में फोटो छपवाने से तू इस टेबल का हकदार बन गया? हकदार तो मैं हूं, इस टेबल का भी और इस शहर का भी। लगता है तुझे हकदार और चौकीदार में ज्यादा फर्क नहीं पता। नहीं, आज गुड़ी पाड़वा है। और हमारे में गुड़ी पाड़वा पे हाथ नहीं उठाते। वैसे भी तेरे भाई का एहसान मंद हूं मैं, अगर उस दिन उसने हाथ नहीं उठाया होता तो आज मैं तेरे पीछे खड़ा होता। पीछे खड़ा होता और पीठ पे वार करता। जिस दिन करेगा मनिया सुरवे छाती पर वार करेगा। तो दुआ करूंगा ना वो दिन रमजान पे आए ना ही गुड़ी पाड़वा पे, ताकि ना तुझे भागने का मौका मिले और ना ही छुपने का रास्ता। ये तो उसी दिन देखेंगे कि कौन भागता है और कौन छुपता है। नहीं, मैं नहीं पीता। ये सिर्फ चाय पीते हैं। वैसे भाई साहब, आप भाभी जी और छोटू को साथ में नहीं लाए? वो माँ के पास गई है, मैं कहे सलमान को भी साथ ले गई है। अरे क्या बात है फाक, लकी है तू यार। नहीं मैं सुमन को बोला, कभी कभी मायके जाया कर, जाती ही नहीं। इसकी माँ आती है 15-15 दिन में। आप लोग बैठिए, मैं अभी खाना गर्म करके आती हूँ। आज का अखबार पढ़ा? हाँ पढ़ा, अब बरोबर है ना? आज नहीं तो कल अमोड़कर को पढ़नी ही थी। मुझे प्रॉब्लम उसके मार खाने से नहीं, अगर उसे जान से भी मार देते तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो साला वर्दी में था। वर्दी चाहे फौजी की हो या हमारी, यही लोगों को भरोसा दिलाती है कि उनका मुल्क उनका शहर महफूज है। लेकिन अगर एक मामूली गुंडा एक पुलिस वाले को खुलेआम वर्दी में मारता है तो अकेला नहीं, हम मार खाते हैं। ये वर्दी लोगों को भरोसा देती है, हम नहीं। तू पब्लिक की बात कर रहा है, यहां अपने डिपार्टमेंट वालों को खुद की वर्दी पे भरोसा नहीं रहा। आमोड़कर को देख, मान्या से इतना घबर गया है कि उसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं। बुरखा पहन के गया था हेडक्वार्टर अर्जी डालने, ट्रांसफर की मांग की है। बोलता है बॉम्बे से जितना दूर भेजोगे उतना अच्छा। अब बोल क्या करना चाहिए? ये जो भी हो रहा अच्छा नहीं हो रहा अम्बट। हाथ में बंदूक हो तो हिजड़ा भी अपने आप को मर्द समझता है, एक गुंडे के हाथ में बंदूक हो तो खुद को खुदा समझता है। छोड़ना आफाक, तू मान्या को ज्यादा महत्व दे रहा है। छोटा मोटा मवाल ही एक दिन कुत्ते की मौत करेगा, देख लेना। चिंगारी माचिस के डिब्बे में क्या बंद होगी, लोगों ने यह समझा कि वो सिर्फ सिगरेट जलाने के काम आती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए
कि उसी चिंगारी को अगर हवा लग जाए तो वो चिताएं भी जलाती है। जलाने दे साले को एक दूसरे की चिताएं, अपन उसी चिता की आग में हाथ सेकेंगे।